नाजीन आइए आज एक मरतबा फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब से। टोपी वाला जीवे हाय जीवे, अजरक वाला जीवे हाय जीवे, है सिंध वाला जीवे हाय जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे। असल में जुनेद साहब ये जो सिंधी धुन होती है ये एक ऐसी गोली है जब चलती है तो हर शख्स तड़पना शुरू कर देता है। ये आपने देखा है हमारे जलसों में भी, आज भी जब हैदराबाद में हमारा जलसा हुआ है तो उसमें जब सिंधी म्यूजिक शुरू हुआ है तो कोई शख्स ऐसा नहीं था जो आराम से खड़ा रहता। जी ये सिंधी धुन अपनी तरफ खींचती है। नहीं शायरी सिर्फ सिंधी नहीं, हम लोग भी बहुत मजा लेते हैं सिंधी धुनों का। तो फिर तुमने डांस क्यों नहीं किया, तुम्हारे को कमर में तकलीफ है? जी इनका मनसब इजाजत नहीं देता। मनसब क्यों नहीं इजाजत देता, ये कौन सा इधर नादरा का चेयरमैन लगा हुआ है? अच्छा इजाजत मुझे छोड़े, मौजू की तरफ आए। भाई मौजू तो आजकल एक ही है कि नेब से कैसे बचना है। चले इसी पे बात कर ले। आप तो सुबह उठ के पहले घर का दरवाजा नहीं खोलते, खिड़की खोल के बाहर झांकते हैं दाएं बाएं, अगर कोई खड़ा हो तो उससे पूछ लेते हैं कि दूध वाले हो या नेब वाले हो। दूध वाला हो तो वो बता देता है, नेब वाला चुप रहता है, वो इसी आस पे खड़ा रहता है कि बाहर तो निकलेगा। नहीं जी अगर आपने कुछ किया नहीं है तो क्या हो गया आप? पागल समझते हो मुझे? चलिए अगर आपने क्यों इतना डिजाइन बना बना के कहते हो कि किया नहीं है? चलिए अगर आपने कुछ किया तो बाहर में जाए किया ना किया, अभी ये तो बाद में पता चलता है किया है कि नहीं किया है, पहले ये पता चलता है कि रात के पकड़े गए हुए। ओहो शाजी गुस्सा जाएगा, जरा करना यार वो। टोपी वाला जीवे हाय जीवे, अजरक वाला जीवे हाय जीवे, सिंध वाला जीवे हाय जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो। शाजी चले चले शाजी बस करें बस करें, यही तो एक एंजॉयमेंट रह गई है हमारे पास। अच्छा जी मेरी बात सुने, ये तो चले छोड़े, नैब ने जो करना, आज मुबारकबाद के मुस्तहिक है, आपने हैदराबाद में बहुत बड़ा सियासी शो किया, ताकत का मुजाहरा किया। जुनेद साहब जब भी आपको जमहूरियत का मुजाहरा होता हुआ नजर आएगा तो वो आपको पंडाल सारा पीपल्स पार्टी से भरा हुआ ही नजर आएगा। अच्छा पाकिस्तान में एक ही जमहूरी पार्टी है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। जी ये जो क्रिकेट का कुप्तान है ना, जो भाग दौड़ करके पाकिस्तान का भी कुप्तान बन गया है, इसको जरा 6 महीने खेल लेने दो, ये भी हमारे ही किसी जलसे के ऊपर ऐसे करता हुआ नजर आए। शायद उनके पास अपने तराने बहुत है ऐसे करने के। वो तराने बंद हो जाएंगे। अच्छा अभी 6 महीने गुजर लेने दो ना, देखना जब रिजल्ट सामने आना शुरू होएगा तो फिर देखेंगे क्या बनता है। किस किस्म के रिजल्ट? ये जो एक गैस का रिजल्ट तो सामने आ गया है, सारा सिंध रोना शुरू हो गया है, बलोचिस्तान रोना शुरू हो गया है, गैस नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कारोबार बंद हो जाएगा, घरों में चूल्हे अगर बुझ जाएंगे तो फिर कौन इनके पीछे होगा, कौन इनके तराने सुनेगा? फिर इनको किसी और के तराने में ही घुसना पड़ेगा। वो जिस शख्स ने ये गाया था वो आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, मैंने सुना है कि वो उसने जर्मनी का वीजा लगवा लिया है, वो फ्रैंकफर्ट में मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान खोल बैठा है। अब उधर मोटरसाइकिल का पहिया खोलता हुआ गा रहा होता है, जब जाएगा इमरान होगी सौखी जान, जाएंगे फिर पाकिस्तान, वापस जाएंगे पाकिस्तान। यही गाया था ना ये राणा सनाउल्ला ईसा खेलवी ने, शाहजी अताउल्ला ईसा खेलवी ने। सारे खजल हो रहे हैं, सनाउल्ला भी और अताउल्ला भी। अच्छा शाहजी कमिंग बैक टू नैब, ये आदमी इमरान खान का है। मैंने तराने थ्रू ने कहा कि जर्मनी का वीजा लगवा के ध्यान इधर उधर किया है, वो दोबारा नेब पे आ रहा है, इसका मतलब है ये कि पीटीआई का बंदा है। नहीं जी आपने कुछ किया नहीं है, आप किसी जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए तो फिर डर क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो तुम्हें समझ नहीं आ रही तो फिर साथ मुझे क्यों डरा रहे हो, किसी समझदार बंदे से समझ लो। छोड़ दो इस बात को, तुम्हें पहले भी बताया है ये सारा सियासी इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। तो आप इस इंतकामी कार्रवाई से खौफजदा तो नहीं है ना? नहीं हम बिल्कुल खौफजदा नहीं है, हमें क्या जरूरत है खौफजदा होने की। भाई ये तो आई चलाई का दिन होते हैं, अगर वो दिन नहीं है रहे तो अगला कौन सा महीना है,
जनवरी जनवरी तो फिर तो यही दिन रहने हैं। शाहजी फिर आपको एतराज किस चीज पे? हाँ। भाई एतराज तो हमको सिर्फ इस चीज पे है कि पकड़ दकड़ भी करनी है तो तरतीब से करें ना। हाँ। अभी पहले सारी नून लीग तो पकड़ ले, पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों ध्यान दे रहे? अबर बेशुमार नून लीग वाले बाहर बैठे हैं। हाँ। पहले उनको पकड़ के जेल में दो, जब वो कोई जगह बच जाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ भी ध्यान दे ले। मगर जिस तरह ये अंधाधुंध पकड़ दकड़ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि और कुछ देर के बाद असेंबली का इजलास अडियाला जेल में ही हुआ करे। कितना बुरा लगेगा जब एक ऊंचा आवाज आएगा, ए मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है, इजलास खत्म करो। अच्छा शाह जी, पीपल्स पार्टी के लिए दो दिन पहले एक और बड़ा धचका सामने आया है। वो कौन सा है? वो जो आपके दरीना साथी शौकत बसरा साहब आप लोगों को दागे मुफारकत दे के बहुत हो गए पीटीआई में चले गए। अच्छा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमने तो पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया हुआ था। लेकिन आपने उनको पार्टी से निकालने का ऐलान तो नहीं किया था? मैं ऐलान करने के लिए गया था, वो मस्जिद में बिजली नहीं आ रही थी। शाहजी मस्जिद में ऐलान नहीं करना था ना, मीडिया पे आके करना था। मीडिया वाले अब हमारी तरफ नहीं आते तो क्या करें, रोने लग जाएं? कहीं तो ऐलान करना होता है ना। जी, जी, जी। अब तो मीडिया को बुलवाने के लिए हम जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सात बच्चों के लिए झूले वूले भी लगा देते हैं। तो शायद ये मीडिया वालों के बच्चे ही कहें कि हमें भी साथ लेके उधर चलो, उधर झूले लगे हुए हैं। और मीडिया वाले बच्चों को झूले देने के चक्कर में ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, कोई लालच हो तो फिर बंदा चला जाता है। जी। जिस तरह एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा ना कि मैं इधर जा रहा हूँ, फौतगी हो गई है मेरे एक दोस्त के वालिद साहब की, मैं उनकी तरफ अफसोस के लिए जा रहा हूँ। वो इतवार का दिन था, बीवी लड़ना शुरू हो गई कि आप छुट्टी वाले दिन भी अफसोस करने जा रही हैं। कहते हैं अकल करो, सवाब होता है, अफसोस करने जाए कहीं पे सवाब होता है। कहती है रहने दो, आप छुट्टी वाले दिन भी सवाब कमाने चाह रही हो। वो आदमी कहते हैं क्यों तंग कर रही हो, ये नजदीक ही जाना है। कहाँ जाना है? कहता वो जो मेकअप वाली दुकान नहीं है कॉस्मेटिक्स की, उसके साथ ही तो उनका घर है। वो बीवी कहती है वो कॉस्मेटिक्स वाली दुकान के साथ है, मुझे भी ले चलो, डबल सवाब होगा। इसीलिए अब हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूले झूले भी लगवा दिए ताकि सहाफियों के बच्चे उनसे कहें कि पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस में जाओ, डबल सवाब होगा। ना की खेती होगी किए नहीं है। जी अगर आपने कुछ किया तो बाहर में जाए, किया ना किया अभी ये तो बाद में पता चलता है किया है कि नहीं किया है। पहले ये पता चलता है कि रात के पकड़े गए हुए। ओहो शाहजी गुस्सा जाएगा, जरा करना यार वो टोपी वाला जीवे हाय जीवे, अजरक वाला जीवे हाय जीवे, सिंध वाला जीवे हाय जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो जीवे, जीवे भुट्टो। शाहजी चले चले शाहजी बस करें बस करें, यही तो एक एंजॉयमेंट रह गई है हमारे पास। अच्छा शाहजी मेरी बात सुने, ये तो चले छोड़े, नैब ने जो करना आज मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आपने हैदराबाद में बहुत बड़ा सियासी शो किया, ताकत का मुजाहरा किया। जुनेद साहब, जब भी आपको जमहूरियत का मुजाहरा होता हुआ नजर आएगा तो वो आपको पंडाल सारा पीपल्स पार्टी से भरा हुआ ही नजर आएगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक ही जमहूरी पार्टी है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। जी। ये जो क्रिकेट का कुप्तान है ना, जो भाग दौड़ करके पाकिस्तान का भी कुप्तान बन गया है, इसको जरा छह महीने खेल लेने दो, ये भी हमारे ही किसी जलसे के ऊपर ऐसे करता हुआ नजर आए। शायद उनके पास अपने तराने बहुत है ऐसे करने के। वो तराने बंद हो जाएंगे। अच्छा, अभी छह महीने गुजर लेने दो ना, देखना जब रिजल्ट सामने आना शुरू होएगा तो फिर देखेंगे क्या बनता है। किस किस्म के रिजल्ट? ये जो एक गैस का रिजल्ट तो सामने आ गया है, सारा सिंध रोना शुरू हो गया है, बलोचिस्तान रोना शुरू हो गया है, गैस नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कारोबार बंद हो जाएगा, घरों में चूल्हे अगर बुझ जाएंगे तो फिर कौन इनके पीछे होगा, कौन इनके तराने सुनेगा? फिर इनको किसी और के तराने में ही घुसना पड़ेगा। वो जिस शख्स ने ये गाया था वो आएगा, इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। मैंने सुना है कि वो उसने जर्मनी का वीजा लगवा लिया है, वो फ्रैंकफर्ट में मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान खोल बैठा है। अब उधर मोटरसाइकिल का पहिया खोलता हुआ गा रहा होता है, जब जाएगा इमरान होगी सौखी जान, जाएंगे फिर पाकिस्तान, वापस जाएंगे पाकिस्तान।
यही गाया था ना ये राणा सनाउल्ला ईसा खेलवी ने। शाह जी अताउल्ला ईसा खेलवी ने। सारे खजल हो रहे हैं, सनाउल्ला भी और अताउल्ला भी। अच्छा शाह जी, कमिंग बैक टू नैब, ये आदमी इमरान खान का है। मैंने तराने थ्रू ने कहा कि जर्मनी का वीजा लगवा के ध्यान इधर उधर किया है, वो दोबारा नेब पे आ रहा है, इसका मतलब है ये कि पीटीआई का बंदा है। यदि आपने कुछ किया नहीं है, आप किसी जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। तो तुम्हें समझ नहीं आ रही तो फिर साथ मुझे क्यों डरा रहे हो? किसी समझदार बंदे से समझ लो, छोड़ दो इस बात को। तुम्हें पहले भी बताया है ये सारा सियासी इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। तो आप इस इंतकामी कार्रवाई से खौफजदा तो नहीं है ना? नहीं, हम बिल्कुल खौफजदा नहीं है। हमें क्या जरूरत है खौफजदा होने की? भाई ये तो आई चलाई का दिन होते हैं, अगर वो